नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वोकल न्यूज और हम बात करेंगे आज के राशिफल के बारे में कि आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। आज के पंचांग के अनुसार 14 सितंबर 2022 को अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है, जो प्रातः 10:27 तक रहेगी। इसके बाद अश्विन मास का कृष्ण पक्ष की पंचम तिथि प्रारंभ होगी। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशिफल यानी एरीज की, तो आप परिवार की तरफ ध्यान देने की कोशिश करें। परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए किए गए प्रयत्न सफल हो सकते हैं। आपके द्वारा लिए गए निर्णय के कारण लोगों का आपके लिए नजरिया बदलता हुआ नजर आ रहा है। परिवार की जिम्मेदारी लेने से दूसरों की नाराजगी कम हो सकती है। अब बात करते हैं वृषभ राशिफल यानी टोरस की, तो आज आपकी वजह से परिवार का माहौल खुश और आनंदित रहेगा। आपके द्वारा लिए गए निर्णय की वजह से परिवार के लोगों के विवाद दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। परिवार के साथ यात्रा की योजना बनाई जाएगी, इस कारण लोग एक दूसरे के और भी करीब आएंगे। अगर बात करें मिथुन राशिफल यानी जैमिनी की, तो आपके द्वारा बनाई गई योजना पर काम करने का समय है। जिस बात की चिंता आपको सता रही है उसे दूर करने का रास्ता मिलेगा। जिन लोगों के साथ बातचीत बंद है उन्हें होने वाली तकलीफ को समझने की कोशिश करें। आपसी विवाद और नाराजगी को सामंजस्य से दूर करें। अब बात करते हैं कर्क राशिफल यानी कैंसर की, तो आपको हर व्यक्ति से मिल रहे अनुभव की वजह से मानसिक तकलीफ हो सकती है। भावनात्मक रूप से भी तकलीफों को दूर करने के लिए प्रयत्न करें, लेकिन आज आप पूरी तरह से थके हुए नजर आ रहे हैं। आज आराम पर ध्यान देने की कोशिश करनी होगी। अब बात करते हैं सिंह राशिफल यानी लियो की, तो परिवार के लोगों के साथ वक्त बिताने की वजह से उनकी समस्याओं का अंदाजा मिलेगा। एक दूसरे के लिए मन में उत्पन्न हो रहे कटु विचार दूर करना संभव हो सकता है। वक्त की कदर न करने की वजह से भाग दौड़ बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर बात करें कन्या राशिफल यानी वर्गों की, तो आपकी मेहनत सफल हो सकती है। जो काम बदलने की कोशिश आपके द्वारा की जा रही है उसमें बदलाव हो सकता है। किसी व्यक्ति पर जरूरत से अधिक विश्वास ना करें, ये तकलीफ दे सकता है। अभी के समय में आपकी समस्याओं का हल प्राप्त होने वाला है, इसलिए अन्य लोगों पर निर्भर बिल्कुल ना रहें। अब बात करते हैं तुला राशिफल यानी लिब्रा की, तो आप कोई भी निर्णय लेते समय शांति से काम लें। दुविधाएं कम होती हुई नजर आ रही हैं। आपकी स्थिति बदलने के लिए जिस व्यक्ति से मदद प्राप्त हुई है उनका मार्गदर्शन आगे भी मिलता रहेगा। नए लोगों के साथ हुआ परिचय जीवन में खुशियां बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशिफल यानी स्कॉर्पियो की, तो आप बार बार होने वाली गलतियों को दूर करने की कोशिश करें। एक जैसे विचार रखने से परिस्थिति में बदलाव नजर नहीं आ रहा है। मानसिक रूप से आप निराश महसूस कर रहे हैं, लेकिन इस परिस्थिति को बदलने के लिए आपके लिए अत्यंत आवश्यक है, इस बात को समझने की कोशिश करें। अगर बात करें धनु राशिफल यानी सजेटेरियस की, तो आपके परिवार और मित्रों के साथ वक्त बिताने से खुद की गलतियां सामने आएंगी, साथ में उन्हें बदलने का मौका भी प्राप्त हो सकता है। परिवार के किसी व्यक्ति की प्रगति होती देखकर आपको भी आनंद मिलेगा। प्रॉपर्टी संबंधी निर्णय के कारण व्यक्तिगत जीवन के साथ पारिवारिक जीवन में भी बदलाव हो सकता है। अब बात करते हैं मकर राशिफल यानी कैप्रिकॉर्न की, तो आप अभी योजना बनाकर ही काम करने के लिए जरूरी है, लेकिन आपके द्वारा बनाई गई योजना में बदलाव हो सकता है। नई बातें सीखने को मिल सकती हैं, इसलिए अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए किसी एक विषय में पारंगत होने की कोशिश करें। अब बात करते हैं कुंभ राशिफल यानी एक्वेरियस की, तो आपको जल्दबाजी की वजह से काम दोबारा करना पड़ सकता है। आपकी बातों के कारण दूसरों का क्रोध बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिससे परिवार की शांति भंग हो सकती है। दूसरों पर टिप्पणी करते समय सही गलत का ध्यान रखें। अगर बात करें मीन राशिफल यानी पाइसेस की, तो मित्रों के साथ करीबी बढ़ती हुई नजर आ रही है। जिन लोगों के साथ अधिक अभी तक दूरियां हैं वह अचानक से दूर हो सकती है। मित्रों से प्राप्त हो रहे साथ की वजह से बड़ी समस्या दूर हो सकती है, लेकिन आपके ऊपर कर्ज ना हो इस बात का भी ध्यान रखें। धन्यवाद।